सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी पर। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। शिक्षक भर्ती 40% 50% को लेकर बड़े अपडेट आ रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, और आज है मदर्स डे। दोस्तों कहते हैं, जब जब मैंने कागज़ पर लिखा माँ का नाम, कलम अदम से कह गई हो गए तेरे चारों धाम। और दोस्तों माँ तो माँ होती है, आपकी जो सभी माँ हैं उनके लिए मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई मदर्स डे की। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर, शिक्षक भर्ती से संबंधित, अतिथि शिक्षकों से संबंधित एजुकेशनल, अतिथि शिक्षक मोटिवेशन वीडियो अपलोड होती रहती हैं। आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और आज मैं एक अपडेट बताने वाला हूं जो कि शिक्षक भर्ती को लेकर है मेरे भाइयों। और मध्य प्रदेश में लगातार, चाहे शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की बात करते हैं, पदों को लेकर मांग चल रही है, ज्ञापन दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं दोस्तों, लगातार कहीं सब्जी के ठेले से आंदोलन कर रहे हैं, कहीं पैदल मार्च कर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने चुप्पी साध ली है, कुछ सुन नहीं रही है सरकार। शिक्षक पात्रता परीक्षा, चाहे वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 3 हो, EWS कैटेगरी के हो या अतिथि शिक्षक कैटेगरी के हो दोस्तों, SC ST OBC जनरल सभी वर्ग मांग कर रहे हैं अपने अपने बेनिफिट के लिए। जैसे कि SC ST में ज़्यादा पद हो जाते हैं तो हिंदी में कम पद रह जाते हैं, अंग्रेजी में ज़्यादा पद हैं तो सोशल साइंस में कम पद रह जाते हैं, इस तरह की विडंबनाएँ लगातार चलती आ रही हैं। लेकिन आज मैं आपको एक अपडेट स्क्रीन पर बताने वाला हूं, और जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर भाई सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार फिर आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जीवन का निर्वहन करने के लिए माँ की ज़रूरत होती है, और माँ ही बनाती है दोस्तों अपने बेटे को जैसा बना दे, चाहे वो धनवान बना दे, चाहे वो अच्छा इंसान बना दे, या फिर उसका जीवन बिगाड़ दे, बना दे, सब में माँ का ही रोल होता है। लेकिन आज मैं आपको एक अपडेट बताने वाला हूँ। अपडेट क्या है? शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग एक में 40% और 50% को लेकर है भाइयों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 14 मई रविवार है, शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर है मेरे भाइयों। महोदय, सादर निवेदन है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा हाल ही में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें लगभग 8,700 पदों में भर्ती की जानी है। प्रदेश में वर्ष 2018 के बाद वर्ष 2023 में उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजन किया जा रहा है, यानी 18 के बाद 2023 चल रहा है वर्तमान में। आज रविवार है दोस्तों, लेकिन हमारे भाई मांग कर रहे हैं, वन एड वन पर शिकायत कर रहे हैं कि इनकी मांग को माननी चाहिए सरकार को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भाइयों, अतः आपसे अनुरोध है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को सफल होने के लिए निर्धारित अनारक्षित श्रेणी में 60% व आरक्षित श्रेणी में 50% अंकों की प्रति सप्ताह की बाध्यता में 10% अंकों की छूट प्रदान करते हुए अनारक्षित श्रेणी में 50% व आरक्षित श्रेणी में 40% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उत्तीर्ण घोषित किया जाए। हाल ही में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा जारी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती नियम उसका 2023 में भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थियों को सफल होने के लिए अनारक्षित श्रेणी में 50% व आरक्षित श्रेणी में 40% अंकों की सीमा रखी गई है। अस्तु विनम्र अनुरोध है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में अनारक्षित श्रेणी में 50% अंक व आरक्षित श्रेणी में 40% अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को सफल घोषित करते हुए उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने के लिए पात्र घोषित किए जाने संबंधी निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग व कर्मचारी चयन मंडल भोपाल को जारी करने का कष्ट करें। प्रार्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थी, इनकी मांग है, अगर कोई व्यक्ति 90 किलो वजन सिर पर रखता है और उठाता है, उठता नहीं है, बार बार परेशान होता है, फिर उठाता है, फिर उठता नहीं है, और अगर उसमें से 30 किलो माइनस कर देते हैं, बाकी बचता है 60 किलो, उठाएगा तो आसानी से उठ जाएगा।
अगर 40 और 50 प्रतिशत होती है तो बहुत से अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई भी हो जाएंगे और नौकरी भी उनकी लग जाएगी और उनका जीवन सफल हो जाएगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की, वो भी लगातार मांग करते चले आ रहे हैं। उनका भी अधिकार बनता है, हक बनता है कि कम से कम जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं, 10 साल का जिनके पास में 5 या 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है, उनको नियमित सरकार को कर देना चाहिए। बाकी आपका क्या सुझाव है, जो भी भाई इस चैनल को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर बताइएगा भाइयों। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, सही जानकारी, सटीक जानकारी देने की कोशिश आप लोगों को करता हूँ। रात में मैंने देखा मुख्यमंत्री जी ने मान लिए चला 40% और 50% को लेकर जो खबरें आ रही हैं उस पर मुख्यमंत्री जी ने मान लिया है। ऊपर 2-3 लाइन लिख के थंबनेल बना देते हैं, बाकी वॉइस ओवर करके रिकॉर्ड करके आपको बता देते हैं। आपके लिए ऐसा लगता है कि यार ये जानकारी सही है या गलत है, आप उलझ जाते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरे भाइयों। और एक बार फिर आप सभी भाइयों को, सभी मित्रों को, सभी जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, मदर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बहुत बड़ा दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है, मदर्स डे है दोस्तों, इसलिए आप सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार दोस्तों। और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।